फ्रेंड्स, मैं अर्जुन कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल दून गार्डन में। सबसे पहले दोस्तों, आपको विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि ये मेरा जो प्लांट है, ये प्लांट है मेरा सेफलेरा का प्लांट, और इसको अम्ब्रेला ट्री भी कहते हैं। दिखाता हूँ दोस्तों मैं आपको ये प्लांट अपना पूरा। ये देखिए दोस्तों, कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है। इसके आप देख सकते हैं रूट कितने अच्छे से ग्रो हो रही है। तो दोस्तों, बात करें इस प्लांट की, तो ये मैंने लगभग 2 साल से इसी गमले में लगाया हुआ है, और ये बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। और इसकी मैं समय समय पर ऊपर से जो एक्स्ट्रा जो ब्रांच दिखाई देती है मुझे, वो मैं कट करता रहता हूँ, ताकि ये बोनसाई में अच्छे से कन्वर्ट हो सके। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो ब्रांच दिख रही है इसकी, ये वाली जो ब्रांच थी, ये अलग सी ब्रांच थी। ये जो ब्रांच जा रही है, अलग सी ब्रांच थी, और मैंने इसको इसी में ही रस्सी से बांध कर मैंने इसको इसी में मर्ज कर दिया, मतलब चिपका दिया है। तो ये देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो गई अब। और इसकी जो रूट है, ये देखिए रूट कितने अच्छे से चल रही है। ये देख सकते हैं रूट ये आ रही है, देखिए कितनी मोटी रूट है इसकी, कितने अच्छे से ग्रो हो रही है। और जो ये जो एक यहाँ पर एक टहनी थी, वो मैंने कट कर दी थी, ताकि ये इसका जो लुक है वो नेचुरल लुक नज़र आए। और आप ये देख सकते हैं एक रूट ये नज़र आ रही है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये देखिए ये नज़र आ रही है। इसको मैं पत्थर पे लाऊंगा ऐसे करके, ताकि ये और भी खूबसूरत लगे। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कितना प्यारा प्लांट है ये। दोस्तों, अभी जो ऐसे कैल्शियम की आप देख रहे होंगे, इसकी पत्तियों पे जो है ये कैल्शियम से जमा हुआ है। ये जो है हम पानी देते हैं पौधे में, तो हम इसके पत्तों पर पानी डालते हैं। जब ये हवा चलती है, तो वो हवा में जो धूल होती है वो उसके पत्तों पर बैठ जाती है, जिसकी वजह से इसके पत्ते जो हैं धुंधले से हो रहे हैं। देख सकते हैं जैसे इसकी पत्ते की शाइनिंग देखिए कितनी खूबसूरत है। जब बरसात होगी ना, बरसात के टाइम पर इसकी जो पत्तों की जो शाइनिंग है वो नज़र आती है, क्योंकि इस टाइम पर लगातार बारिश होती है, तो जो पानी जो होता है उसकी वजह से इसकी जो है ग्रोथ जो चमक है वो नज़र आती है। देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है प्लांट मेरा सेफलेरा। दोस्तों, उसमें जो है पानी की मात्रा कम रखनी चाहिए, ताकि इसकी जो जड़ है वो गल सकती है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी जड़ जा रही है इसकी मोटी सी, और इसके पीछे की साइड देख सकते हैं देखिए कितनी मोटी जड़ आ रही है इसकी। देखिए इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत प्यारी ग्रोथ लग रही है मेरे को। देखिए इसके मैं आप पूरा प्लांट देखिए। दोस्तों, इसको जो ये प्लांट जो है बिल्ली कुत्तों वगैरह से दूर रखना चाहिए, क्योंकि इसके जो इसमें जो कुछ प्रॉब्लम होती है कुत्तों वगैरह डॉग वगैरह को, तो उसको जो इस प्लांट से बच्चों को भी दूर रखना चाहिए वैसे तो। तो दोस्तों, बस यही बातचीत थी इस प्लांट के बारे में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।